तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए आलू के पराठे की रेसिपी। अब आप सोचेंगे आलू के पराठे मतलब लेंदी प्रोसेस? जी बिल्कुल नहीं, ये पराठे 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 2 कच्चे आलू ले लिए हैं, तो उबाल कर आलू नहीं लेना है, ऐसा ही कच्चे आलू लेना है। और अब हमने इसे अच्छे से छील कर इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, इसके बाद अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो इसे बारीक वाली ग्रेटर आती है ना, उससे अच्छे से घिस लेना है। तो देखिए हमने आलू को अच्छे से घिस लिया है और ये देखिए देखिए कितना बारीक हो चुका है दोस्तों। तो हमने 2 आलू ही लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, आप अपने तीखा के अनुसार डालिएगा, थोड़ा अजवाइन डाल देंगे क्रश करके, और इसमें डाल देंगे कलौंजी आधी छोटी चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, और आधी छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर डाल देंगे। पराठे थोड़ा खट्टा थोड़ा मतलब फ्लेवरफुल लगे, इसलिए हमने थोड़ा आमचूर का पाउडर भी डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि ये हमने आलू को ग्रेट करके डाला था ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और एक स्मूथ ढो तैयार कर लेना है, जिस तरह रोटी के लिए ढो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। तो कड़क ही रखना है थोड़ा, तो देखिए इस तरह से हमने कड़क ही रखा, क्योंकि हमने नमक डाला था ना जो थोड़ा पिघलेगा, इसलिए हमने कड़क रखा है। तो अब हम ऊपर से 1 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं, मतलब ढो को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए ढो तैयार है, तो चलिए एक लोई लेते हैं और अब हम इसे रोटी के आकार के बेल लेंगे। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। तो आप इस तरह से एक बार कच्चे आलू के ये पराठे बनाएंगे ना, तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंट बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसे रोटी को पहले बेल लेते हैं। तो इस तरह से पहले रोटी बेल लेना है, जैसे रोटी बेलते हैं ना वैसे ही। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा ऑयल अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ऐसे ही थोड़ा अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, तो इस तरह से स्प्रेड करते हुए अप्लाई कर देना है और फिर से इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो आप जिस तरह से परोठे बनाते हैं ना, वैसे ही इसे अप्लाई करना है, फिर से फोल्ड करने के बाद ऊपर से ऑयल अप्लाई करना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो आप इस तरह से एक बार बनाएंगे ना, तो एकदम लच्छेदार पराठे बनके तैयार होंगे दोस्तों, और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगेगा। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो इसे फिर से ऐसे ही बेल लेना है परोठे की शेप में। तो आप इस तरह से देखिएगा आलू के एकदम पराठे तैयार हो जाएंगे। तो ये इंस्टेंट पराठे है दोस्तों, तो आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, मतलब जब भी आप जल्दबाजी में हो ना, तो ये पराठे तैयार कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से पराठे बेलने के बाद ऊपर से थोड़ा कलौंजी डाल देंगे, और अगर धनिया की पत्ती है तो वो भी डाल दीजिए और इसे बेल लीजिए। इसे देखने में पराठे अच्छे लगते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे सेक लेंगे। तो हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था और तवे पर डाल देंगे और इसे 1 मिनट के बाद इसे पलट देना है। तो चलिए अच्छे से सेकने देते हैं। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है दोस्तों। तो अब हम इसे पलट देंगे और इसे अच्छे से उलटते पलटते इसे पकाना है। और ये देखिए 2 मिनट के बाद इसे पलट दिया है। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ऑयल अप्लाई करेंगे। तो आप अगर घी अप्लाई करना चाहते हैं तो घी डालें। तो चलिए हम इसे सरसों के तेल में ही अच्छे से सेक लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से अप्लाई कर देना है। और ये देखिए हमारे 5 मिनट में बन जाने वाली ये आलू के पराठे तैयार है। तो इसे अच्छे से इस तरह से दबाते हुए सेकना है, ताकि ये पराठे एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो। और ये देखिए हमारे पराठे तैयार है, तो मतलब देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए, तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से सारे पराठे को तैयार कर लेंगे। तो चलिए दूसरे पराठे को भी हमें अच्छे से सेक लेना है। तो इस तरह से आप एक बार जरूर बनाइए आलू के पराठे दोस्तों, मतलब इंस्टेंट बनके तैयार हो जाती है और खाने में क्या बताऊं, आप एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए हमने सेकेंड पराठे भी तैयार कर लिए हैं, तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। और हाँ, जो पराठे के ऊपर हमने कलौंजी अच्छे से लगाया था ना, वो आप इसके जगह पर तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, इससे भी पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप कलौंजी की जगह तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सारे पराठे को तैयार कर लिए, तो एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए हमने दही के साथ सर्व कर लिया है दोस्तों। तो आप इसे चटनी,
सब्जी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये आलू के पराठे की वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।